नरेंद्र मोदी, रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी जी, पप्पू यादव, ये तमाम लोग मिलके जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे? देते जवाब अभी की तरह तो कुटुंबा आपका भी है ना। कुटुंबा हमने हमें को हमने ये नहीं ना कहीं 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 करोड़ा भानुमती ने कुटुंबा जोड़ा, वैसा कुटुंबा हमारा नहीं है। जो हमसे टूट के जा रहा है उसको बुला रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं। क्यों? अपने पास जगह नहीं है क्या? कैंडिडेट है नहीं लड़ाने को, इसलिए कुटुंबा जोड़ रहे हैं। जोड़ते नहीं कुटुंबा, खुद के कुटुंबा कौन जोड़ता है, कौन हटाता है, तो ये हम कहता है। प्रभु जी ऐसा है कि अब उन्होंने एक तारीख डेट परिवर्तन कर लिया है, उनको करने दीजिए। 30 तारीख को हमारी रैली होगी, हम सवाल पूछेंगे, अब तो जवाब उनको देना है। तो वो उसी पे वो बैठे हैं, इसलिए तो रखा है ना कि आप 30 को सवाल पूछेंगे, उसको वो जवाब दे देंगे। नहीं, हम तो हमारे जैसा जवाब देना। जब भी रैली किया प्रधानमंत्री ने, 2 रैलियां की हैं, शाम को 5 बजे जवाब देता है। रैली खत्म होती है 3 बजे, 5 बजे शाम में हम सिलसिलेवार जवाब देते हैं। जो जवाब हम देते हैं उस पर सवाल उठाने की भी ताकत नहीं होती है। हम तो जवाब ऐसे देते हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री सामने सामने, हम तो ओपन चैलेंज करते हैं कि प्रधानमंत्री में अगर नैतिकता है, मॉरल है, तो नीतीश कुमार के सामने आमने सामने डिबेट कर लें। प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के सामने क्यों आएंगे? प्रधानमंत्री है। अरे भाई, आज तो सूडो प्रधानमंत्री, सूडो चीफ मिनिस्टर बनकर प्रधानमंत्री घूम रहे हैं, चेहरा वही बने हुए हैं, हर पोस्टर बैनर पे उन्हीं के नेतृत्व में चेहरा बचल रहा है। एज इज के एडिशनल चार्ज बिहार का सीएम का उन्हीं को लेना है। उनसे पूछ रहे नीतीश का सीएम का उम्मीदवार कोई है ही नहीं, तो प्रधानमंत्री जवाब देगा ना। क्यों प्रधानमंत्री क्यों नहीं आमने सामने आकर जवाब देते, ये कह रहे हैं? ये पहली बार नहीं हुआ है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री है, हमारे देश के नेता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, एनडीए के नेता है, और हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। ये कह रहा है कि नीतीश कुमार जो आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब क्यों नहीं देते नरेंद्र मोदी आके सामने? नीतीश कुमार ये आरोप जो लगा रहे हैं तो बिहार के बेहतर स्थिति तो लावे हैं। बिहार जो सुशील कुमार मोदी जब वित्त मंत्री थे तो बिहार 16% विकास दर में जा रहा था, बिहार 7% विकास दर में चलाया है। अब रात का ग्राफ 3 गुना बढ़ गया है। तैयारी है आलोक के पास, सारे लोगों को पूरा डेटा फिगर सब दे दिया गया। ये बोलना है क्या 7वें नंबर पर और अपराध के मामले में जो स्थिति आपकी उस पर सवाल उठा रहे हैं? खैर, अजय जी, इनका ना कोई डेटा है ना कोई फिगर है। अगर डेटा और फिगर होता और मॉरल कन्विक्शन होता तो हमारे सामने आ रहे और हमसे बात करें। हम जो सवाल उठाते हैं तो उसका जवाब क्यों देंगे? सुशील मोदी जवाब देंगे। सुशील मोदी क्यों जवाब देंगे? सुशील मोदी को नेता घोषित कर दें, फिर जवाब हम मांगेंगे। सुशील नेता घोषित दोबारा किए जाएंगे। अरे मुख्यमंत्री पद करेगा सुशील मोदी को घोषित कर जी। भारतीय जनता पार्टी पता ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बात करें, प्रधानमंत्री संविधान नहीं पढ़े हम, प्रधानमंत्री भारत के संविधान, प्रधानमंत्री भी जवाब नहीं। भारतीय जनता पार्टी का प्रमोद जी, आपने देखा होगा संसद के बाहर लोगों ने मार्च निकाला, पहली बार तो इतिहास में ऐसा हुआ कि सरकार रोड पे उतर गई और ऐसी सरकार रोड पे उतरी जहां प्रधानमंत्री दिल्ली में, आपको बता रहा हूँ सिंबॉलिक इफेक्ट बिहार के लिए, सीधा वहां पे प्रधानमंत्री उस मार्च में मोहम्मद दल का नेता, जहां जरूरत पड़ती है वहां हैंडल हो जाते हैं, जहां जरूरत नहीं पड़ती वहां लगते हैं। आप तो मुझे ये बताइए ना कि वो क्या है, ये तक तैयार क्यों हुआ है? एडिशनल चार्ज देंगे हम आप लोगों से बात करेंगे। सुंदराकर अपने दर्शकों को बता देंगे, देखिए बिहार चुनाव मामूली चुनाव नहीं है, मायने इतने ज्यादा है कि उसका अंदाजा आपको आज नहीं हो सकता है। आप चुनाव परिणाम आने दीजिए और उसके जो इफेक्ट्स होंगे, चाहे कुछ भी चुनाव परिणाम कोई भी, उसके जो इफेक्ट्स होंगे ना, उसके जो प्रभाव होंगे, उसकी कल्पना आज नहीं की जा सकती है। पूरे देश पे इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा और इसका कारण, इसका देखिए इसी कारण जो विदेश में लोग रह रहे हैं, जो विदेश में हमारे बिहार के लोग रह रहे हैं, उनमें भारी उत्सुकता है इस चुनाव को लेकर। प्रोफेसर वारसी हमारे साथ हैं जो वाशिंगटन में प्रोफेसर हैं और वहां से नजर रखते हैं सियासत पर, पत्रकार भी हैं, इस तरीके से अखबारों में लिखते रहे हैं। प्रोफेसर वारसी, जो चुनाव का माहौल अभी देखिए जिस तरीके से गर्म हो उठा है यहाँ पर, और पहले प्रधानमंत्री एक और महागठबंधन उनके सामने खड़ा है, किस नजरिए से आप जो बाहर रह रहे हैं बिहारी उसको इसको देख रहे हैं, इस लड़ाई को देख रहे हैं? हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है कि जो लोग बाहर रहते हैं, हम जैसे लोग जो आरोप प्रत्यारोप से बिल्कुल अलग हट के देखते हैं, वो ये देखते हैं कि बिहार जो राजनीति है वो बिल्कुल पूरे देश की राजनीति तय करती है। हम लोगों ने देखा है पिछले कई सालों से, वहाँ भी डिबेट होती है, वहाँ भी बातचीत होती है, तो इस आरोप प्रत्यारोप से अलग हट के हम ये अगर मुद्दा बेस डिबेट करें कि आप बिहार के लिए अच्छा क्या, बिहार क्या अच्छा दे सकता है, बिहार के अंदर इतनी प्रतिभा है, हर क्षेत्र में प्रतिभा है, अगर बिहार को आगे ले जाना है तो एक अच्छे सोच के साथ, एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे जाना होगा। यहाँ पे बहुत सारी असीम संभावनाएं हर क्षेत्र में, लेकिन आप अगर वारसी देखते हो कि दुखद बात यह है कि ये पॉजिटिव सोच की बात करते हैं तो किसी पार्टी में नजर नहीं आती है पॉजिटिव।
हाँ ये यही एक हमारे लिए अफसोस की बात है कि हम देखते हैं, लेकिन कुछ लोग हर पार्टी में अच्छे हैं जो एक अच्छी सोच की राजनीति करना चाहते हैं, वो लोग आगे नहीं आ पाते हैं ना। मेरे बेसिक जनता का एजेंडा है जो जो लोगों का जो रोटी मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, छत मिलना चाहिए, ये तो कोई मुझे चर्चे में आता नहीं है। हाँ, लेकिन बदलाव जो है ओवरनाइट हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे बदलाव आ रहा है और आएगा आगे आने वाले दिनों में। आप पॉलिटिक्स पर नजर रखते हैं, आप ये बताइए कि कुछ दिन पहले हम 5 साल पहले तक देख रहे थे कि बिहार के चुनाव का जो बेसिक मूल एजेंडा था वो विकास हो गया। आप देख रहे हैं फर्क, आप देख रहे हैं चुनाव में कि विकास जो मूल एजेंडा होना चाहिए वो कहीं किनारे में पड़ा है, कहीं हाथी पे पड़ा है, और बाकी तमाम बातें जो है वो मूल रूप से सेंटर में केंद्र में आते दिख रही है। हाँ, ये बात मेरे जो जितने भी लोग थे, साथी थे और जो टीचिंग से जुड़े हुए हैं, जो बिहारी वहाँ रह रहे हैं, वो भी ये बात आप सही बोल रहे हैं, 5 साल पहले महसूस किए थे और अब भी महसूस कर रहे थे कि जो विकास की राह चली थी बिहार में, जहाँ मैं अपनी बात ले रहा हूँ, दरभंगा से मेरे कुशेश्वर स्थान जाने में 3-3, 4-4 घंटा लगते थे, आज मैं 1.5 घंटे में वहाँ चला जाता हूँ। तो ये जो चीज़ें एजेंडा होना चाहिए था, ये एजेंडा भी होना चाहिए था, इस पर बात होनी चाहिए थी कि हम विकास में कितनी दूर तक गए हैं और कौन करेगा जाता है, हमारी सोच क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारी देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो राजनीतिक सोच है वो किस तरह प्रभावित करती है हमारे लोगों को, हमारे लोगों में किस तरह जागरूकता आएगी जो बहुत हद तक अब आने लगी है। यही जो मैंने आपसे कहा कि बदलाव लेकिन बेसिक एजेंडा जो वो बदल गया ना, अब तो बात होती है कि कौन किसका DNA क्या है, कौन सांप्रदायिक है, कौन झूठा है, कौन सच्चा है। अब तो बेसिक जनता का एजेंडा था वो कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव का मूल मुद्दा है क्योंकि वो बच्चा हम आपसे और बात करेंगे, 10,000 लोग चलाते थे, 10,000 चिंता यही है लोगों की, बिहार के लोगों की, ये बाहर रह रहे हैं, वाशिंगटन में रह रहे हैं और सारे लोग जो है कि आपको तो हाँ पता रहता है। बहुत अच्छी बात, इससे जाहिर होता है परसेप्शन क्या है, हमें क्या बोले जो दरभंगा से कुशेश्वर स्थान जाने में 3 से 4 घंटे लगते थे, आज मैं 1.5 घंटे पहुँचा। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम 1.5 घंटे को मिनिमाइज करके और कम कैसे करें, मुद्दा ये होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं तो लोग ये मानते हैं परसेप्शन है कि विकास हो, लेकिन आप मुद्दा नहीं बना रहे हैं, हम बना रहे हैं, हम तो हमारा तो मुद्दा ही कहा, आप तो आपको मुद्दा बना रहे हैं, हमने हमेशा यही कहा है, हमने हमेशा यही कहा, मैंने हमेशा यही कहा है, नीतीश जी ने हमेशा यही कहा है, हम इस चुनाव में जा रहे हैं, हम जनता के पास जाएंगे कि हमने 10 साल में इतना काम किया है, हम काम के आधार पर वोट मांगेंगे, हम झूठे वादों के आधार पर वोट नहीं मांगेंगे, हम आके अपने मन से ये नहीं कहेंगे कि बिहार दुर्भाग्यशाली है, हम ये नहीं कहेंगे कि बिहार बीमारू राज्य है, जबकि बिहार बीमारू राज्य 2008 में निकल गया जो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं, हम दुर्भाग्यशाली बिहारियों को नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हमने 10 साल में ये काम किया है, आप हमारे और आलोक जी, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा, अगर जिस तरह से आप अभी डिबेट में बात कर रहे हैं, मुद्दे की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं कि इसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन फिर अभी जैसे कुमार प्रबोध जी ने बताया कि मंडल कमंडल की बात क्यों कर रहे हैं, जो राजनीतिक डिबेट हो रही है उसमें अगर आप मुद्दों पर आप बताता हूँ क्यों मंडल कमंडल की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने मन कमंडलवाद का नारा जोर जोर से लगाई और तो आप धर्म के नाम पर जगह जगह 182 अलग होने के बाद 182 जगह पर उन्होंने कमंडल करवाने की कोशिश की जो पुलिस प्रशासन की वजह से टल गया, तो कहीं ना कहीं आपको समाज को जागरूक करना पड़ेगा और अजागरूक एक मंडल की बात कैसे नहीं कीजिएगा, मंडल कमीशन से आपको 57% पॉपुलेशन प्रभावित होती है, मंडल कोई फॉर्मूला नहीं है, मंडल एक सोच, उस सोच के तहत 66% लोगों को उसका बेनिफिट मिलता है और 100% में 66% को बेनिफिट अगर मिल रहा है तो उसकी बात आप कैसे नहीं करें, आप स्वीकृता है नहीं, कमंडर धार्मिक उन्माद से जोड़ने वाला एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला से दूर रहना है, लेकिन जो पिछला इलेक्शन आपने जीता था वो विकास के मुद्दे पे जीता था, उस वक्त मंडल कमंडल कुछ भी नहीं था और लोगों ने गांव-गांव के लोगों ने आपको इस सोच के साथ वोट दिया था कि आगे विकास देखेंगे, उनको देखने को मिला भी, लेकिन उस विकास को और आगे गति देने की जरूरत है, उस विकास को और आगे ले जाने की जरूरत है, हमें वहाँ का कमंडल पे मंडल से कमंडल पे चले आए। अधिकारण जी बोल रहे थे, बोलना चाह रहे थे अधिकारण जी, आपके पास जवाब है, आपने कमंडल का राज करा तो इनके पास मंडल को समाज को मजबूत करने के मंडल का अजय आलोक जी, लेकिन ये समझिए भी नहीं समझना चाहते आप समझा, मंडल हमारा एक परंपरा है, हमारी गौरवशाली परंपरा है, विराट कमंडल हमारा
कौन सा परंपरा आप इसका राम मंडल या कमंडल राम कृष्ण और शंकर की था अरे अच्छा जी कौन सी परंपरा आपकी मंडल या कमंडल मंडल किसको कहते हैं जो हमारी परंपरा है हमारा जो संस्कृति है हमारे जो गौरवशाली परंपरा है जिसके आधार पर हम त्याग और बलिदान करके भारत माता के सीना को चौड़ा किए उसको ये कमंडल बात का नारा देते हैं हमने जो मंडल आया वो लगा सामाजिक न्याय के लिए दबे कुचले लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए उसमें भारतीय जनता पार्टी भी साथ था भारतीय जनता पार्टी अलग नहीं था जिस कमंडल बात के लाने का सबसे बड़ा ये मुकाम हासिल किया वो श्री रामलाल पासवान थे वो नीतीश कुमार जी और ये क्या नाम है लालू जी उससे कहा लेकिन जब आप बात करते हैं कमल तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि संस्कृति की बात होनी चाहिए हमारी कल्चर की बात होनी चाहिए तो कल्चर इन जनरल बात कीजिए जब कमंडल आप बोलते हैं तो कमंडल मैं कहाँ बोला अरे भाई कमंडल भारतीय जनता कमंडल हम नहीं बोलते हैं कमंडल इन लोग हम पर आरोप लगाते हैं हम इसको स्वीकार करते हैं कि तुम हम पर आरोप लगा रहे हो कि हम कमंडल हैं कमंडल नहीं है आज हमें हमारे देश के गौरव सारी परंपराओं के हमारे बलिदान आज हमने कौन भूल जाएगा वीर भगत सिंह की कुर्बानी आपको भूल जाएगा बंदा बैरागी की कुर्बानी कौन भूल जाएगा वो नेता नहीं है वो संस्कृति की बात कर रहे हैं आधार पर हमको कमंडल बात का लेकिन हम नहीं चाहते हैं हम चाहते हैं कि देश के अंदर देखिए भगवान शिव की मंदिर है तो वहाँ भगवान शिव के मंदिर के अंदर तांडव नृत्य हो दुष्ट दानवों दानवों का संहार हो देश के रचना को आगे बढ़ाने के लिए देश के गौरव को बढ़ाने के लिए हम दैवीय समर्थन करें लेकिन जो बात आप बोल रहे हैं उनको सुन लीजिए लेकिन जो बात आप बोल रहे हैं सब अच्छी बातें बोल रहे हैं कि हमारी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा उसपे कोई कमेंट नहीं है उसपे वो अच्छी बात है हर रिलीजन में अच्छी अच्छी बातें होती है जिसको हाईलाइट करने की जरूरत है लेकिन जैसा कि आपने कहा संस्कृति की अच्छी बात बताई आपने लेकिन जब आप ये कहते हैं कि उन्होंने कमंडल हम पे